दोस्तों आज दिखा दे रहे हैं शोकेस दीवान पलंग रेडी हो गया है, जो बोल रहे थे तो लकड़ी भी आ गया, डिजाइन भी कटा के चलिए आप लोग को दिखाते हैं किस तरह बना हुआ है, देख लीजिए क्योंकि उसके बाद आप लोग ये देख सकते नहीं हुआ है। तो घिसाई इसमें किया जाता है, क्या क्या चीज किया जाता है इसमें? स्पीड और चपड़ा सिलर दिया जाता है, पूरा तभी चमक। फाइनल हो गया है कि और मैं बहुत काम बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है, अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी दो कोटा स्पीड और चपड़ा लगाया गया है, कलर हो रहा है अंदर का, अंदर के में अस्तर मारा जाता है, अंदर में जो रहता है आपका सो अस्तर कलर का रहता है, तो देख सकते हैं ये अस्तर हो गया आपका, ये हो गया पेट तरफ का, और ये हो गया आपका लंबा, इसको उठा रखें तो इधर से उठाइए देखिएगा, ये हेडबोर्ड हो गया, इसमें फुल नकाशे के साथ में है, डिजाइनिंग सेम वही पसंद किया है, थोड़ा सा मॉडल चेंज हुआ, हल्का सा हुआ है, तो चलिए आप लोग के बीच में इसको हम सेट करके दिखाएंगे, तो चलिए अब चलते हैं। आपका 4x4 का है, रोन किया गया है, और ऊपर में जो है सो गम्हार लकड़ी दिया गया है, ये गम्हार का लकड़ी बहुत हल्का लकड़ी होता है, तो चलिए तो डासा जो बैठाते हैं देख सकते हैं डासा किस तरह बैठाते हैं, सो ये डासा इस तरह करके बैठाया जाता है खाप चुर के, तो इसको इधर घिसने नहीं देगा नहीं उधर फैलने देगा, तो फैलने के लिए नहीं देने के कारण इसको देते, दो पीस ऊपर दिया गया और दो पीस नीचे दिया गया, जो हाइट है तो हाइट देख सकते हैं आपका 22 इंच रहेगा, ठीक लग के फिर जितना मटेरियल जितना आप मटेरियल कैसे देने के लिए तैयार होंगे तो मटेरियल भी आप काफ़ी लगेगा, और शीशम का लकड़ी है उसमें नकाशी भी किया जाता है, तो बहुत लोग कहता प्लेन ही अच्छा लगता है, कल इसमें नकाशी कर देंगे, तो पेनिंग देखिए नकाशी किया गया, इसका दाम है 50,000। चलिए पूछ रहे थे मतलब तो सब्जी वाली थी, और दाम कितना है देख सकते हैं आप, चलिए एक बार आप लोग को दिखाते हैं, अब थोड़ा साइड हो जाइए, जब दिखा देते हैं पलंग सभी लोग को, तो देखिए पलंग का ये जो पटिया है आपका, इसको आप रखिएगा 6 इंची, ये पटिया जो नीचे वाला जो है सो 4 इंच रखिएगा, पौवा जो है सो 4x4 का रखिएगा, इसका 2 फीट हाइट रखिएगा, आप नीचे 4 इंच कुंदा दे सकते हैं, और ये जो पटिया है सो 7 फीट लंबा रखिएगा, ये लगेगा आपको 4 पीस, और 4 इंच चौड़ा 1.5 इंच मोटा, मोटाई के बात किया जाए तो ये हो गया मोटाई, ये हो गया चौड़ा, और वहाँ से लगभग और यहाँ तक आपका 7 फीट रहेगा, तो चलिए देख लीजिए छोटू एक बार चढ़ो चप्पल खोल के दिखाओ ये सब, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर लोग ये सर है देख सकते हैं वहाँ पर दिया हुआ, वो भी खोलो छोटा वाला, वो भी खोलो स्लाइडिंग आगे पीछे करो हल्का हल्का, हाँ बस, और वो भी खोल के दिखाओ, दो बार खोलो देखिए, अगर किसी को पसंद लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह बने रहिए, अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो चलिए एक बार आप लोगों को चारों ओर दिखा देते पलंग, और इसका लंबाई चौड़ाई तो देखे भी किए हैं 7 फीट, किस तरह हुआ है नहीं हुआ है
और अभी अब दूसरा पलंग अब लगने के लिए जा रहा है, एक कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पलंग लगने के लिए तो चचे नक्काशी करते, देख सकते हैं यही है ना, यही से वजह से सब नक्काशी होता है। अब दूसरा पलंग रेडी होगा ना, तो अब जो है सो दूसरा पलंग बनेगा, देख सकते हैं ये जोन वोन सब होके शीशम का ही है, सब रेडी हो चुका है और आप लोग को दिखाते हैं, देख सकते हैं नक्काशी जो प्लेट जो कटिंग होता है सो चौड़ा चौड़ा कितना चौड़ा चौड़ा रहता है, ये वाला जो रहता है देख सकते हैं कितना दिन का पुराना लकड़ी है। अब खास बात यह है इसमें जीबी देते हैं, ये आपका हो गया जीबी, यहाँ पर इसमें छेदा करके पहना देते हैं, इसमें भी चूड़ी टाइप के, उसके बाद होल मारते हैं, तो उसके बाद चलिए देख सकते हैं। अरे ये पलंग जो है तो रंग कलर होने के बाद इस तरह एकदम चक चक लगेगा देखने में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह बने रहिए। फर्नीचर में आप देख सकते हैं सारा कुछ बन के रेडी हो गया, तो इसी तरह बने रहिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।